दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। स्थानीय तोपखाना क्षेत्र में वर्षों से पड़ी गंदगी को पुलिस प्रशासन के सहयोग से दूर करवाया गया, जिससे क्षेत्रीय निवासियों को गंदगी के साथ जहरीले जानवरों के व्याप्त डर से भी निजात मिली। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने कहा कि 20-25 वर्षों से उक्त जगह पर गंदगी के ढेर थे, जो कि बीमारियों को जन्म देते थे। कैंट थाना प्रभारी रामपाल ने कहा कि उक्त जगह को साफ करवा दिया गया है और शीघ्र ही आम जनता के बेहतर प्रयोग के लिए उसे प्रयोग में लाया जाएगा। मेन बाजार के पुलिस स्टेशन की जगह पी सी जी काफ़ी देर तो उतों द्वारा गंद वगैरह सटे जा रहा है, जिन्हों हम साफ किया गया है। इस जगह न असी पुलिस के वेलफेयर लोगों के वेलफेयर पुलिस द्वारा कोई ना कोई उपराला करके चंगा काम करा। हमने कहीं नहीं देखा, 10 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने यहाँ 10 साल में पहली बार ऐसा देखा है कि जो अब हो रहा है वो ऐसा नहीं हुआ। अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बुड्ढों के लिए भी। इतनी गंदगी यहाँ पे थी कि जो जिसकी सफाई अब चल रही है पहले कभी नहीं। नए गुप्ता के मतलब प्रशासन से हम लोगों की समस्या का समाधान हुआ है, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं, मतलब उनका शुक्रगुजार करते हैं और बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों के लिए उन्होंने ऐसे करा और आगे भी ऐसे और आगे भी वो हमारे इसी तरह ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम लोग उनके साथ ही हैं। 15-20 साल हो गए हैं इस समस्या को। क्या प्रॉब्लम कहते हैं यहाँ पर मेन गंदगी, जैसे गंद फैला हुआ है, नाले वगैरह इतने खुले हुए हैं, गंदे हैं, नालियों में पानी भरा रहता है, गटर गंदे थे इतने। जो कहाँ पर करे थे कोई भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी तो जी आप जी किसने करवाया जी? ये स्नेह गुप्ता ने। गंदगी की वजह से ग्राउंड में बच्चे खेल नहीं पाते थे, अब सफाई हुई है, अब बच्चे अच्छी तरह वहाँ खेल कूद सकते हैं। कितने सालों से समस्या चल रही थी जी आपकी? 20 साल हो चले हैं हमारी साथी को। 20 साल में आज तक सुनवाई नहीं हुई आपकी? ऐसे ही चल रहा है, स्नेह गुप्ता जी ने हमारा बहुत साथ दिया है, उन्होंने हमारी हर प्रॉब्लम का हल हमें ढूंढ के दिया है और हमारी समस्या का समाधान किया। आज अब हम जो इलेक्शन आया है, इस इलेक्शन के अभी इलेक्शन के वोट भी नहीं पड़े तो हमारे स्नेह गुप्ता जी आई हैं, तो उन्होंने डेयरी फार्म, तोपखाना, कोठियाँ, बंगला सारा इतना सुधार किया है, इतना गंदगी का सुधार, इतना जो जहाँ पे कूड़े के डंप लग गए थे जो कई वर्षों से लगे हुए थे, जहाँ सांप बिच्छू पैदा हो गए थे, उसको उन्होंने प्रशासन की सहायता से, सबसे सहायता से इन्होंने उसको अंजाम दिया।